व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 4 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, आराम से जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो पिछले 3 एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल थे, हर एपिसोड में कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन आ ही जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये एपिसोड भी क्या पिछले एपिसोड की तरह इमोशनल है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एली को। वो बिल और फ्रैंक के घर से चुराई गई गन की मैगजीन निकाल रही थी और उसे काइंड ऑफ खेल रही थी। फिर वो मैगजीन को वापस डाल के बाहर आ जाती है, मतलब कि एली को गन की ठीक ठाक नॉलेज है। बाहर आके वो देखती है कि जोल पुरानी कार्स में हवा मार के पेट्रोल बाहर निकाल रहा था। वेला पेट्रोल भी खराब होता जा रहा है, इसीलिए ज्यादा पेट्रोल डालने के बाद भी कार उतना माइलेज नहीं दे पा रही है। तभी एली जोल को विल लिविंगस्टन की बुक वॉल्यूम 2 के जोक सुनाती है। उसे लग रहा था दैट शी इज वेरी फनी, बट वो बस जोल को पका रही थी। इसके बाद वो आगे निकल जाते हैं और यहाँ पे एली एक एडल्ट मैगजीन उठा लेती है। जोल को थोड़ा तंग करने के बाद वो उस मैगजीन को बाहर फेंक देती है। शाम होते ही जोल कार को रोड से नीचे उतार के जंगल में ले जाता है, बिकॉज रात के समय उन्हें रेडर जैसे ग्रुप से खतरा है, मतलब मुर्दा लोगों से ज्यादा जिंदा लोगों से खतरा है। इसके बाद वो डिनर करते हैं और सोते टाइम एली जोल को एक और जोक सुनाती है, या ये थोड़ा काम कर गया। एली के सोने के बाद जोल पहरा देने लग गया। जी हाँ, वो नहीं सोया। फिर सुबह होने के बाद एली उठती है और देखती है कि जोल ने कॉफी बनाई है, लेकिन कॉफी की स्मेल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद वो अपने सफर पे निकल जाते हैं। यहाँ पे उन्हें पूरे 25 घंटे लगने वाले थे। तो एली जोल से टॉमी के बारे में बताने को कहती है। जोल बता दे कि टॉमी को हमेशा से हीरो बनने का शौक था, इसीलिए उसने हाई स्कूल खत्म करने के बाद सीधा आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसे दुनिया की असलियत पता चली। 12 साल बाद उसने जोल को भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा। जोल वहां पे चला गया ताकि वो टॉमी का ख्याल रख सके। यहाँ पे उसकी मुलाकात हुई टेस से और टॉमी की मर्लिन से। मर्लिन ने टॉमी को फायरफ्लाइज ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा, एंड अगेन टॉमी की हीरोपंती के चलते उसने फायरफ्लाइज ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बट रिसेंटली उसने फायरफ्लाइज को भी क्विट कर दिया। इसीलिए जोल का मिशन है उसे ढूंढना, एंड वो एली से कहता है कि तुम मेरे लिए एक कार्गो की तरह हो, जिसे कि मुझे फायरफ्लाइज को सौंपना है। वो भी इसीलिए क्योंकि ये टेस की लास्ट विश थी। आगे बढ़ते हुए वो कैंसर सिटी के हाईवे तक पहुंचते हैं, एंड यहाँ का रास्ता ब्लॉक था, इसीलिए उन्हें टाउन के अंदर से जाना पड़ता है। यहाँ पे उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि इंजर्ड था। जोल समझ जाता है कि ये रेडर्स की चाल है। जोल उसे उड़ाने की कोशिश करता है, बट वो उसे डॉज कर देता है। तभी रेडर के पीछे स्पाइक से उसकी कार पंचर हो जाती है। इसके बाद वो सभी उनपे अटैक करने लगते हैं। जोल एली को कवर देते हुए एक रूम में जाने के लिए कहता है। इसके बाद वन बाय वन वो उन दोनों को मार देता है। तभी एक यंग बंदा जो कि रेडर था उस पर अटैक कर देता है, एंड वो जोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तभी एली यहाँ पे आके उसे गोली मार देती है। फिर जोल उसे अंदर जाने के लिए कहता है और उसकी गन ले लेता है। इसके बाद वो उस रेडर को भी मार देता है। फिर वो दोनों बिल्डिंग चेंज कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज हमें रेडर के और भी मेंबर्स आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। वो डॉक्टर एडस्टिन से हेनरी के बारे में पूछताछ कर रही थी। एक्चुअली वो उनसे हेनरी का पता पूछ रही थी। उसका मानना है कि हेनरी ने उसके भाई के बारे में फेडरा को बताया और फिर फेडरा ने उसे मार दिया, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद भी डॉक्टर एडस्टिन ने अपना मुंह नहीं खोला। तभी बाहर जाके कैथलीन को पता चलता है कि उसके कुछ आदमियों का मर्डर हो गया है। ये वही लोग थे जिन्होंने जोल पे अटैक किया था और जोल ने इन्हें मार दिया। अब वो गुस्से में जाके डॉक्टर को गोली मार देती है, एंड वापस आके सभी से कहती है कि ये हेनरी का काम है, उसी ने अपने लोगों को भेजा है ये सब करने के लिए। वो कहती है कि उन्हें ढूंढो और मार दो। अब रेडर्स उन्हें ढूंढने लग जाते हैं और जोल एंड एली एक रूम में छुपे होते हैं। यहाँ पे जोल एली को हिम्मत दे रहा था। वो कहता है कि मेरी गलती थी, मैंने उसे आते हुए नहीं देखा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना था, इससे तुम्हारी जान को खतरा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि पहली बार किसी को मारना कैसा लगता है। इस पे एली बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं था जब उसने किसी को हर्ट किया हो। गन चलाना उसने फेडरा के स्कूल में सीखा था। इसके बाद जोल एली को गन यूज करना सिखाता है, एंड उसे गन को बैग में रखने के लिए बोलता है, बट एली फिर भी गन को जैकेट में रखती है। ऑन द अदर हैंड पैरी कैथलीन को बिल्डिंग में ले जाता है। यहाँ पे वो देखते हैं कि हेनरी अपने भाई सैम के साथ रह रहा था, बट उनका सारा खाना खत्म होने के कारण उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ी। अब कैथलीन बताती कि वो लोग आसपास हैं, इसके अलावा हेनरी सैम को भूखा नहीं रहने दे सकता। ये बातें चली रही थी तभी पैरी उसे बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ पे इन्फेक्टेड्स का काइंड ऑफ नेस्ट होता है, मतलब यहाँ से कई सारे इन्फेक्टेड्स निकलने वाले हैं। बट कैथलीन कहती है वी शुड हैंडल व्हाट वी कैन हैंडल, और पैरी को भी ये बात सीक्रेट रखने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम वर्क के चलते जोल और एली एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे वो स्टेज चढ़ना शुरू करते हैं। एली जोल से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो इंजर्ड आदमी रेडर्स का मेंबर था। जोल बताते हैं कि अपने सर्वाइवल डेज में उसने दोनों साइड से काम किया है, एंड वो जानता है कि रेडर्स क्या तौर तरीके यूज करते हैं। टेस, टॉमी, जोल ये सभी पहले रेडर्स के लिए काम करते थे,
फिर एली पूछते कि क्या तुमने कभी किसी इनोसेंट की जान ली है। जोल इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर वो 30 फ्लोर चढ़ने के बाद यहीं पे रुक जाते हैं। सोते टाइम जोल कांच के टुकड़े फ्लोर पे डाल देता है जिससे अगर कोई यहाँ पे आए तो उन्हें पता चल जाए। इसके बाद एली कहती है कि तुम्हें अपने राइट ईयर से अच्छे से सुनाई नहीं देता। वो पूछती कि क्या तुम्हें अपने राइट ईयर पे गोली लगी थी। जोल इसका भी सही तरीके से जवाब नहीं देता। इसके बाद वो एली से पूछता है कि तुमने कहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है जब तुमने किसी को हर्ट किया हो, तो तुमने इससे पहले किसे मारा था। एली कहती है कि उसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर सोते टाइम एली एक फनी सा जोक क्रैक करती है जिससे जोल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता एंड ये लोग ऐसे ही हंसते हुए सो जाते हैं। तभी एली जोल को उठाती है एंड वो देखती है कि हैनरी और सैम ने उन पे गन तान रखी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एपिसोड नंबर 4 में इतना कोई हार्ट ब्रेकिंग सीन तो नहीं था और पिछले एपिसोड से कंपेयर करें तो ये इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इस एपिसोड में हमने देखा एली और जोल की बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग हो गई और इन दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रांग करने के लिए ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ढेर सारा एक्शन। तो चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट डाउन एंड लेट अस नो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड शेयर इट एज मच एज यू कैन। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस अप।